कोई से आ रही है जहां पर एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से मौत का मामला बताया जा रहा है। आखिरकार प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन मान गए हैं। करीब 3.5 घंटे बाद टंकी से उतर गए हैं परिजन। बसवा तहसील में स्थित पानी की टंकी पर चढ़े थे पीड़ित सचिन के ताऊ और बहन। बसवा एसडीएम ने जल्द सहायता राशि दिलाए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी रखी गई। एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए मुलाकात भी करवाई जाएगी। तो आपको बता दें बांदीकुई से खबर, जहां पर गलत ब्लड चढ़ाने से मौत का ये मामला। आखिरकार जो टंकी पे सचिन शर्मा के ताऊ और बहन चढ़े थे वो आखिरकार प्रशासन की समझाइश से मान गए हैं और साथ ही साथ अब टंकी से ये दोनों नीचे उतर गए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए मुलाकात भी करवाई जाएगी। सीएम से मिलने की बात कही और उसी पर एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कराई जाएगी। राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। राकेश, क्या कुछ जानकारी या परिजन और प्रशासन में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, मान गए परिजन? जी बताना चाहूंगा, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में आपसे सहमति बन गई है। एसडीएम तहसीलदार अमित शर्मा और एसडीएम ने उन्होंने काफी समझाइश की और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि वो जिला कलेक्टर के संबंध में पूरी तरह बात करेंगे और जिला कलेक्टर से बात करने के बाद जो भी न्याय संगत होगा, जो भी जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात होगी या मुख्यमंत्री से मिलने की बात होगी, उस सब पर गौर फरमाते हुए पीड़ित पक्ष को निश्चित तौर पर न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह आश्वस्त किया है। फिलहाल वो 1 या 2 लाख रुपए जो भी मुआवजे के तौर पर देंगे एक दो दिन में वो राशि इनको चेक से दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो प्रशासन की समझाइश के बाद अब परिजन मान चुके हैं और एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी कराई जाएगी।